दोस्तों अरलीवुड पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे पहली बार है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देख के ढेर सारी चीज़ सीख सकते हैं और आने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और आपकी जो परेशानी है बैंकिंग, फाइनेंस, लोन, मोरेटोरियम से रिलेटेड, ब्याज माफी से लेकर, ये सारी प्रॉब्लम आपको सिर्फ और सिर्फ अरलीवुड पे ही सॉल्व होती है, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर लेना। चलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ब्याज माफी से रिलेटेड आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, ठीक है। आज डेट है, सबसे पहले टाइम चेक कर लो, फिर हम बता पाएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, आज है डेट 7 अगस्त है और टाइम क्या हो रहा है, 9:35। अभी से ठीक कुछ देर के बाद यानी 10 बजे से कोर्ट लगना स्टार्ट होता है, तो अब से जस्ट कुछ ही देर के बाद 20-25 मिनट के बाद क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम इंटरेस्ट, मोरेटोरियम ब्याज माफी को लेकर जो केस चल रही है, मोरेटोरियम पीरियड में जो इंटरेस्ट लग रही है, वो केस की सुनवाई आज से होने वाली है। हम आगे इसमें प्रूफ भी दिखाएंगे और डिस्कशन भी करेंगे, पूरी की पूरी 5-6 मिनट का वीडियो होगा, देख लेना पूरा। तसल्ली, दिमाग आपका जो है, जब तक समझेंगे नहीं आप किसी चीज़ को, माफ़ी होने के पीछे क्या ग्राउंड होता है, कितने हज़ारों पेज का केस होता है और फिर जाके उस पर डिसीजन आता है, तो आप सोचो, आपको हम ये वीडियो 4-5 मिनट का बना सकते हैं, जब यहाँ 4-4, 5-5, 6-6 महीना केस चल सकता है, तो यहाँ तो हम आपको इतने 5-6 मिनट का वीडियो देखने में आप लोग को परेशान हो जाते हो, तो समझोगे तभी तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो परेशान रहेंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए अब देखिए ये यहां पर क्या है, सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, ये गूगल पे आप जैसे ही सर्च करोगे, गूगल, ये गूगल ओपन है, ओपन कर लो, मोरेटोरियम इंटरेस्ट वेवर केस, ठीक है। मोरेटोरियम इंटरेस्ट वेवर केस जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप देख लो, हमने आपको सबसे पहले अपने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था, कोर्ट केस में भी बताया था, और फिर इधर ब्याज माफ़ी वाली जो एक वीडियोज़ थी उसमें भी बताया था, जो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा उस पर या लगेगा उस, क्या कुछ होने वाला है वो आज की डेट में फैसला आने, ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा इसमें भी बताया था, और पिछले वीडियो में बताया था, जो आज के डेट यानी अगस्त के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में ब्याज माफी यानी मोरेटोरियम इंटरेस्ट वेवर केस को लेकर सुनवाई है। तो यही चीज़ आप गूगल पर भी सर्च करने के लिए मैंने बता दिया, यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, क्या दिखेगा, जी बिजनेस का एक आर्टिकल दिखेगा, इन्होंने भी प्रूफ देख लो, मैं तो बता दिखा देता हूँ। अच्छा ये देखो प्रूफ में क्या लिखा है, जो 17 जून को जो फैसला हुआ था उसमें ये बोला गया था, सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है लेकिन जो जजमेंट है वो आज की डेट में होगा, ठीक है। तो बैंक वाले क्या चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे माफ करना, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इंटरेस्ट पेमेंट शेड्यूल टू बी हियर्ड इन सुप्रीम कोर्ट टूडे, मतलब आज के डेट में इसको सुना जाएगा इस केस को, और आज के डेट में इस पर फैसला भी आने की गुंजाइश बन रही है। अब बात करते हैं दोस्तों, आखिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट हियरिंग में क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट इंटरेस्ट वेवर ड्यूरिंग, ठीक है। तो ये केस पे सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में क्या कुछ बताया था वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज के डेट में हियरिंग स्टार्ट होने से पहले इसी पॉइंट पे चर्चा होगी कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट जो हियरिंग हुई थी जून में, ये देख रहे हो 17 जून को जो सुनवाई हुई थी, 18 जून का ये न्यूज़ बना हुआ है, तो जून में जो सुनवाई हुई थी उसमें क्या बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो कंसीडर इंटरेस्ट वेवर ड्यूरिंग मोरेटोरियम, मतलब समझ में आ गई आपको, कंसीडर इंटरेस्ट वेवर ड्यूरिंग मोरेटोरियम मतलब ब्याज माफ़ी, जो ब्याज माफ होना जो है उसको आप विचार कीजिए, यानी ये किसको बोला था, ये दोनों फेवर को, गवर्नमेंट को भी बोला था और बैंक वालों को भी बोला था, आरबीआई को भी बोला था, जो आप इस चीज़ को कंसीडर करो जो ब्याज माफ़ होना है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल क्लियर टिप्पणी थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो ब्याज माफ़ी होगा इसको आप कंसिडर कीजिए, अर्लियर पहले आरबीआई ने बोला था नहीं, इस पर जो इंटरेस्ट हम इसको माफ़ नहीं कर सकते, इनसे बैंकों का लगभग 2-3 लाख-4 लाख करोड़ का नुकसान होगा और GDP जो है 2-3% तक नीचे आ जाएगा, तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो आपकी जो ये ब्याज माफी वाला सीन है, क्या लोगों के हेल्थ से भी बढ़कर है ये, ठीक है। तो ये बहुत सख्त टिप्पणी करी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको लेके बैंकिंग सेक्टर में खलबली मच गया, तो फिर वहाँ पे 2-3 बैंक 4 बैंक वालों ने इसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया, HDFC वाले भी स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दिया, नहीं यार सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका तो कोई ग्राउंड ही नहीं है, वहाँ केस जाना ही नहीं चाहिए, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है, उम्मीद करते हैं जो ब्याज माफ़ी, जब इतनी बड़ी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, कंसिडर इंटरेस्ट वेवर ड्यूरिंग मोरेटोरियम में जो ब्याज लग रही है उसको आप माफ़ कीजिए और इसके ऊपर विचार कीजिए, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से ये देखिए, लोन मोरेटोरियम के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट टू कंसीडर वेविंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये विचार करनी चाहिए, और हम भी बार बार बोल रहे हैं, एक तो ब्याज लग ही रहा है और ब्याज के ऊपर जो ब्याज लग रहा है ये नहीं लगनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज़ गवर्नमेंट को भी बोला था, RBI को भी बोला था, जो आप इस पॉइंट पर विचार कीजिए जो इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रही है ये नहीं लगनी चाहिए। हाँ मुझे लगता है जो ब्याज जो लग रही है वो तो लगे, कंटिन्यू टू बी अकर्ड
होगा वो मतलब लगेगा, लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो लग रही है वो नहीं लगेगा। उससे क्या होगा, जो आपकी बर्डन कम हो जाएगा, हेडेक कम हो जाएगा, ठीक है, और आपको कम चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, कम देना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी, जो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की है, यहाँ पर क्या है, नो मेरिट्स इन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फॉर डेफर्ड पेमेंट ड्यूरिंग मोरेटोरियम सुप्रीम कोर्ट सेज। इसका क्या मतलब हुआ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की है, जो ये लास्ट हियरिंग में यही चीज़ बताया गया था, जो इसमें तो कोई दम ही नहीं है, इसमें कोई दम ही नहीं है, जो आप इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करिए किस बेसिस पे कर रहे हैं, किस ग्राउंड पे कर रहे हैं, क्या आपका ग्राउंड लेवल है जिसके बेसिस पे आप ये कह सकते हैं जो नहीं जी हम तो ब्याज ले ही रहे हैं और ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेंगे, चाहे आदमी मरे या चाहे जिंदा रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट इन्हीं ग्राउंड के ऊपर, किसी भी कोर्ट में जब केस जाता है आपके पास कोई प्रूफ होनी चाहिए, कोई ग्राउंड होनी चाहिए, कोई उसमें कॉन्टेक्स्ट होनी चाहिए, कोई उसमें दम होनी चाहिए, जो हवा हवाई करके किसी को बिना कोई ना कोई सबूत ना कोई ग्राउंड ना कोई बेस इसी के आधार पर आप किसी के ऊपर कुछ भी चार्ज कर दोगे, ऐसे नहीं होता। हर चीज़ का एक ग्राउंड होता है। तो इसी चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था आप इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट ले रहे हैं भाई साहब वो कौन सी आधार पे ले रहे हैं, क्या ग्राउंड है उसका, तो ये तो नहीं लगनी चाहिए, आप इसको इसके ऊपर विचार कीजिए, जो ब्याज के ऊपर ब्याज जो लग रही है वो नहीं लगे। तो यही चीज़ है, तो नो मेरिट इन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी इसमें कोई दम नहीं है, कोई बात कोई इसका कोई ग्राउंड ही नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है जो ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है, तो अर्थात जो ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है ये माफ़ होनी चाहिए, ये नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ों को के ऊपर बात आज के डेट में आज के डेट में जो बात आगे बढ़ेगी ये इन्हीं सब पॉइंट के ऊपर लेके बढ़ेगी। आज के डेट यानी 7 अगस्त को अब से जस्ट कुछ ही देर के बाद 10 बजे से जैसे सुनवाई शुरू होगा तो इसी पॉइंट पे इसी ग्राउंड पे बातचीत स्टार्ट होगी। यहीं से जहां से ख़त्म हुआ था वहीं से चालू होगी ना, कोई सीरियल देखते हो तो जहां से ख़त्म होता है तो नेक्स्ट डे क्या होता है वहीं से स्टार्ट होता है नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक उसी तरह से जो नेक्स्ट हियरिंग में लास्ट हियरिंग में जहां से बातचीत ख़त्म हुई थी जहां से वहीं से कंटिन्यू होगा और आज के डेट में फैसला आना है। तो दोस्तों इस बात को पक्की गारंटी मान लो, जो सुप्रीम कोर्ट का रुख से ये लगता है जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो लग रही है वो नहीं लगेगा, उसके ऊपर आरबीआई को विचार करना पड़ सकता है और आप सभी के हक में फैसला आ सकता है। दोस्तों ऐसा हम सभी लोग उम्मीद करते हैं और आप सभी लोग भी उम्मीद कीजिए और आप सब लोग भी दुआ कीजिए जो ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है वो भी नहीं लगे और ब्याज भी माफ़ हो जाए, लेकिन ब्याज पूरा का पूरा ब्याज माफ होने का चांस कम लग रहा है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, कुछ एक्सेस ही हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो बैंक वाले भी तो यार आप लोगों को राहत ही दे रहा है, चलो थोड़ा बहुत ब्याज ले लो, कम से कम ब्याज के ऊपर ब्याज जो लग रहा है वो तो नहीं लगे, इनसे आपका जो है आउटस्टैंडिंग कम हो जाएगा और आपको रीपेमेंट कम करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बताया जो आज क्या क्या होने वाला है, पूरा मैंने डीप एनालिसिस किया, इसमें पूरा पिछले वाला भी स्टेटमेंट को रखा, आज भी क्या होने वाला है इसको भी रखा और हमने फाइनली भी बताया जो आखिर क्या कुछ होने की गुंजाइश बन रही है, ठीक है। तो दोस्तों गुंजाइश यही बन रही है, जो ब्याज के ऊपर ब्याज लग रही है तो ये माफ़ होने की चांस लग रहा है इसमें और बहुत ज़्यादा चांसेस लगा है जो ब्याज के ऊपर ब्याज माफ़ हो जाएगा और इंटरेस्ट जो लग रहा है जो नॉर्मल इंटरेस्ट है वो थोड़ा बहुत लगेगा ही। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और आने वाले जो कुछ भी अपडेट होगा ब्याज से रिलेटेड, ब्याज सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, ब्याज माफी से रिलेटेड तो सबसे पहले आपको अर्लीवुड चैनल पर ही मिलेगा, सब्सक्राइब कर लेना। और हमने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, मोरेटोरियम कैसे चेक करते हैं, सर्च करते हैं, ब्याज माफ़ी कैसे सर्च करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ सीखा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर लेना ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे और सभी लोगों को भी बेनिफिट हो सके, सभी का परेशानी दूर। ये मत सोचना जो हम देख लिए हम शेयर नहीं करेंगे, शेयर करोगे तो आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।